अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया अली और आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में उन्हें देखा भी, आप सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं। समाजी खिदमत की अगर मैं बात करूँ, उसमें पेश नज़र आते हैं। इंसानियत की खिदमत के लिए शोबे वकालत से उनका ताल्लुक़ है, और अगर मैं वकालत की बात करूँ तो उसमें जज भी रह चुके हैं, साबिक जज भी हैं, और अभी वकालत में क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह से उस शोबे के ज़रिए भी इंसानियत की खिदमत करते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, शाहिद हुसैन सुमरो साहब एडवोकेट हैं, और आज हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में ही बातें करेंगे। अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वैसे तो आज बहुत अच्छा आपने वेलकम किया है मुझे, लेकिन मेरा भी फ़र्ज है अपने प्रोग्राम में वेलकम करना। अच्छा शाहिद साहब, जिस तरह मैंने आगाज़ में ही कहा प्रोग्राम के कि वकालत से तो आपका ताल्लुक़ है, लेकिन उसके साथ इंसानियत की खिदमत भी आप कर रहे हैं और करते रहते हैं, पेश नज़र आते हैं, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन क्यों ना आपके बचपन को थोड़ा खंगाला जाए कि ये किस तरह का बचपन गुजारा आपने, कहाँ पर परवरिश हुई, कौन से शहर से ताल्लुक़ है आपका, तो उसके बारे में बताइए। मेरा बचपन डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में एक छोटा सा गाँव है, गढ़ी साहब खान उस गाँव का नाम है, और कोई तकरीबन 30 से 35 घर के पर मुश्तमिल होगा वो। अच्छा। और मेरे वाले साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, और 98 में ही वो रिटायर हो गए थे। अच्छा। फिर 2002 में मैं कराची आया। और अच्छा, बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, मैं इंटरप्ट करूँगी, मैं ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे नाज़रीन जब आपको इतना पसंद करते हैं, देख भी रहे होते हैं टीवी पर, ख़ास तौर पर समाजी, और फिर उसके अंदर हम बात करें तो वकील हैं, तो आप वो सब बातें कर रहे होते हैं, तजियाकारी भी। लेकिन अपने बचपन की शरारतें बताएं कि कौन से नंबर पर आपको, यानी बच्चों बहन भाई होते हैं उनमें कौन सा नंबर था, वालदा साहिबा के चहीते थे, वालिद साहब की, कि शरारतें तो बताइए। देखें, इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको। नहीं, देखें, माशाल्लाह मुझे 8 बहनें हैं। अच्छा। और 4 हम भाई हैं। अच्छा, और मैं सेकंड नंबर पे हूँ भाइयों में जी। और माशाल्लाह मैं 5 बहनों के बाद मैं घर में पैदा हुआ था वालदेन को, तो मैं सबका लाडला हूँ। आज़ादी थी शरारतों की या नहीं, उसमें भी चेक एंड बैलेंस रहता था? नहीं, वो एसएच के वालदेन ने तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का कि अल्लाह ने मुझे जो है ना इतने प्यारे वालदेन दिए। हाँ। हर किसी के वालदेन बहुत प्यारे होते हैं, और आज जब हमें औलाद है तो हम देखते हैं कि हम अपने औलाद के लिए कितना कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे वालदेन ने मेरी एजुकेशन पर बड़ा फोकस रखा, और उन्होंने काफी पॉजिटिव उनका किरदार है। हाँ, उनका था, लेकिन आप कैसे तालिबान थे, आप तो बताइए, भाग जाते थे, चोर थे, मिल जाता था इनकी। अच्छा, मुझे है ना, शुरू से जब से बात हो रही है, आप सब भी नोटिस कर रहे होंगे, जो शरारती सी हंसी आ रही है ना, होता है किसी से अगर जवानी की बात करो उस वक्त आ जाती है, किसी से शादी की, लेकिन ये बचपन के नाम पे आ रही है, इसका मकसद इसमें कोई किस्सा छुपा हुआ है। मैं नाज़िर साहब आपको बताऊं कि आपको सुन के हैरत भी होगी जी, कि मैं बड़ा सीरियस बच्चा रहा हूं। अच्छा। मैं, मेरा बचपन जो है वो बड़ा सीरियस रहा है, वो सीरियस सेंस के। हाँ। कभी हम गेम वगैरह मैंने, मुझे याद ही नहीं है, कभी हो सकता है कभी एक दो, नहीं थे कि किसी को फंसाया, खुद पीछे बैठा हुआ, ये सीरियस नहीं, 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 शक ही नहीं होगा किसी। नहीं, मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, वो क्योंकि हमारे वालदेन ने हमारे यहाँ शेड्यूल इस तरह बनाया हुआ था कि हमें 5 बजे उठते थे सुबह। अच्छा। ये क्योंकि हमारे वालिद साहब बड़ा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, वो उठा के हमें मस्जिद लेके जाते थे, और वहाँ पे दर्स वगैरह, उसके बाद फिर 7 बजे वापस आते थे, नाश्ता वगैरह करके स्कूल जाना होता था। फिर स्कूल के बाद 2 बजे के बाद वाले साहब ने ट्यूशन लगाई हुई थी। अच्छा, तो फुल मसरूफ कर दिया था, जो अभी आजकल हम कहते हैं आजकल के बच्चे बहुत बिजी हैं, लेकिन आप शुरू से ही नहीं। नहीं, मैं तो बिल्कुल वाले साहब ने इस तरह वो हमारी वो तरबियत की कि बिल्कुल मसरूफ था मैं, और कभी हमारा बचपन मैं बड़ा याद करता हूँ, मिस करता हूँ। लेकिन उस माहौल में उन चीज़ों के अंदर बहुत अपनाइयत नहीं होती थी, जहाँ तक आप अगर छोटी एकदम से आप ये वाली बात बड़ा देख लें, आप लोग भी सुन रहे होंगे, जमा जमा के कह रहे हैं कि इतनी सी जगह थी, ये था, लेकिन उसमें क्या अपनाइयत बहुत ज़्यादा नहीं होती। नाज़िर साहब, मैं आपको बताऊँ, आपको हैरत होगी सुन के कि मैं आजकल वहाँ एक घर बना रहा हूँ। हाँ। और माशाल्लाह 2-3 साल से वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो घर बनाने का जो मकसद है ना मेरा वहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि
वहाँ जाके वो जो बचपन गुजरा है ना, और जो लोग है वहाँ के जो हमारे साथ रहते थे या पड़ोसी, मैं उनके साथ जाके वो पुरानी यादें ताजा करने के लिए मैं सब कुछ रिकॉल करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर जो मैं देखती हूँ कि आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, कितना भी काम कर लें, कुछ चीज़ भी हो जाए, ये थकते भी नहीं है। आज भी मैंने इनको परेशान किया है, ये गए हुए थे, मसरूफ थे, लेकिन आज इनकी कमिटमेंट थी ये आए। मैं और बातें बहुत सारी करना चाहती हूँ, वक्त हो गया ब्रेक का, फिर सताती हूँ आपको। नाज़रीन देखते रहिए शाम में फैज नाज़ी अली के साथ। अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं शाम में फैज नाज़ी अली के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले शाहिद हुसैन सुमरो साहब से मैंने कहा था कि जब हम वापस आएंगे ना तो मुझे और भी बहुत सारे सवालात करने हैं, लेकिन इनको सताने का भी मैंने कहा था। एक सवाल जो बड़ा ज़िंदगी का अहम होता है, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, वो है शादी का फ़ैसला जब इंसान करता है। आपने बचपन का आगाज़ ही अपने बता दिया कि वो इतनी संजीदगी के साथ हुआ, फिर उसमें फर्मा बरदारी भी शामिल हो गई। तो जब ये फैसला हुआ, इसका बताइए कि वो आपने अपनी यानी खुद चॉइस से किया, उसमें लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज हुई? मेरी कज़न है वो, और मेरी वालदा की भाई की बेटी है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं दो तीन। हाँ, लेकिन ये तो फिर बात वो हो गई कि खानदान में थी और शुरू से, तो ऐसा तो हुआ होगा कि अगर नाम आते हैं ना जब ऑप्शंस बड़ों की तरफ से, तो इंसान बोलता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कहे बगैर मसला हल हो गया। नहीं, अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत करम है और मैं बड़ा खुश हूँ अपने कुदरत से के, और माशाल्लाह तीन बच्चे भी हैं। हाँ। और वालदा की वालदा का हुक्म था और सर आंखों पर फरमा बरदार बच्चों की तरह। अच्छा, तो अपने बच्चों के बारे में बताइए ना कि क्या यानी उनके ऊपर रोक टोक करते हैं या अभी के दौर के हिसाब से उन्हें छोड़ा हुआ है कि सिर्फ नज़र रखनी है? नहीं, मैं क्योंकि मैंने जो लाइफ गुजारी ना वो ये भी मैं बताऊँ आपको कि मैं सेल्फ मेड हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मैं अभी बच्चों को माशाल्लाह मैं बहुत ही मैं उनको अच्छा माहौल देने की कोशिश करता हूँ। कि आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे की चीजों में भी बाज़ लोग जो डिसाइड कर लेते हैं फ्यूचर में कि इस औलाद ने ये बनना है, इसने नहीं, ये नहीं, ऐसी ये बिल्कुल, बिल्कुल, जो उन्होंने करना है बस। बिल्कुल गलत है। मैं वकालत मेरा पेशन है। अगर मुझे कोई कहता, मेरे वाले साहब का शौक था कि मैं इंजीनियर बनूं, तो मैं नहीं बना, मुझे क्योंकि वकालत ही शुरू से मेरा जेन था और मेरा ये रोड मैप मैंने बनाया था कि वकालत में, जुडिशरी में, इस तरह। तो मेरा जो पैशन है मैं वो काम कर रहा हूँ। जरा ये भी तो मैं नाज़रीन को बताइए, क्योंकि मुझे ये सवाल समझे तजस्सुस मेरा भी है कि वकालत की तरफ जब शोबे में कोई आता है तो पहले लॉयर बनता है, यानी वकील बन गया, उसके बाद जज बना, या अगर होता भी तो फिर बड़ा एज का हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट हो गया है ना। तो आप इतनी यंग एज में, फिर उसके साथ जब मैं अगर किसी को बोलूँ कि भाई फॉर्मर साबिक जज, तो ये कहानी क्या है, ये हमारे नाज़रीन को सुनाए। मैं जब जज बना था ना, कुछ मेरे बहुत ही क्लोज दोस्तों ने मेरी दावत रखी जी, तो उनमें से उन्होंने किसी अपने दोस्त को भी बुला लिया जी। तो गोल्फ क्लब में हम बैठे हुए थे, मैं गया और बैठ के हमने कचहरी की ओर खाना शुरू करने लगे। हाँ। तो वो जो हजरत थे वो मेहमान थे। हाँ। उन्होंने कहा कि यार रुकें, जिनके एजाज में ये दावत रखी है उनको तो आने दें। देखिए मेरी बात सही हो गई ना, उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई बुड्ढा दिखाई नहीं दे रहा। जब उन्होंने बताया कि भाई ये तो बैठे हुए खुद ही जज साहब, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो ये था कि वो कोई मूछों के साथ होंगे, वो बड़ी दाढ़ी के साथ होंगे, ओल्ड एज होंगे, और ये मगर ऐसा नहीं है, हमारे पास माशाल्लाह यंग बहुत सारे जजेस हैं। और ये अच्छा मैसेज है, मैंने इसीलिए मजाक किया, तौहीन अदालत का केस मेरे लिए नहीं होना चाहिए, बैठे हुए हैं साथ में। नहीं, बहुत ही माशाल्लाह कॉम्पिटेंट जनरेशन है हमारी, न्यू जनरेशन और यंग जनरेशन जो आई है जुडिशरी में। हाँ। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा, जो कि मुल्क की जरूरत भी है, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं जिस तरह से, अगर मैं उसमें खास तौर पे बोलूँ माशरे की इस्लाह के लिए, समाजी खिदमत के लिए, हमारी यहाँ वकालत को इस तरह से डॉक्टर्स की तरह से बहुत जगह क्रिटिसाइज किया जाता है कि पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। तो मैं बहुत यानी रिस्पेक्ट के साथ एक आपसे अगर बात करना चाहूँ कि बेशुमार ऐसी यतीम लड़कियाँ हैं, बेशुमार ऐसे घराने फैमिलीज हैं जिनके लिए आपने विदाउट एनी चार्जेस पेमेंट आपने उनके लिए केस लड़ा और उनको हक भी दिलवाया। तो उसमें कुछ अगर मैं सरे फहरिस्त पूछना चाहूँ उसका, थोड़ा बहुत बताइए हमारे नाज़रीन को। मेरे पास जो है ना तकरीबन मैं मोर देन 50% केसेस जो है ना वो प्रो बोनो है, और मैं उसमें बड़ा खुश हूँ जी। मैं कोशिश करता हूँ जो फीस वाला केस होता है
अगर दो केसेस सपोज लगे हुए एक टाइम पे जी, तो मैं कोशिश करता हूँ जो प्रोबोनो जिसमें किसी की हेल्प हो रही है या जिसमें किसी की लाइफ का इशू है तो वहाँ पे प्रायोरिटी ज्यादा देता हूँ जाने की। तो बस कोशिश करता हूँ कि हेल्प, लोगों की हेल्प हो सके जी। क्योंकि कमाने के लिए आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, आप पूरी जिंदगी आप कमा सकते हैं। और अच्छा वकील जो है उसको पैसों की परवाह होती नहीं है, केसेस उसको ढूंढते हैं, मतलब वो खुद जो है वो परेशान नहीं होता है। कोई यादगार वाकया बताएं इसी का, क्योंकि समटाइम्स देखें मैं भी बड़ा, आपने अपने आप को सीरियस कहा, कुछ बातें जब भी हो रही होती हैं तो इंसान जब देख रहा होता है कि क्या हमारे माशरे में हो रहा है, वो तकलीफें भी जहन में आती हैं और आप वो सब देखते होंगे अपनी आँखों से, तो उसके अंदर कुछ इस तरह का होता है जो बिल्कुल, यानी एक दो स्टोरीज जो याद रह गई हों और कहीं बैठते हों उस वक्त की, जब तक ये सॉल्व नहीं कर देना है केस, तो जब तक खाना नहीं खाया जा रहा या प्रॉब्लम हो रही है कोई। बिल्कुल नाज़िर साहब, एक दफ़ा मैं कोर्ट जा रहा था, तो जब मैं जुडिशरी में था तो डेली मेरे पास न्यूज़पेपर आती हैं, सुबह तो इतना अर्ली नहीं उठा जा सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि गाड़ी में ही जो है ना, जब कोर्ट जाते हुए पढ़ तो खबर लगी हुई थी एक फैमिली के साथ जो है वो डकैती हुई, और डकैती की मुज़ाहमत पे उनके वालिद साहब को बच्चियों के सामने मर्डर कर दिया। हाँ। तो वो मेरे लिए, मैंने देखा और देखा जुरिस्डिक्शन मेरी थी। हाँ। तो मैं गया और मैंने अपने स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा इस तरह की कोई एफआईआर आई है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा उनको बुलाएं थाने से। तो वो आ गए, तो मैंने कहा इस तरह कुछ बकवा हुआ है, तो उन्होंने कहा जी सर बकवा हुआ, तो मैंने कहा एसएचओ साहब को बुला लें। तो एसएचओ साहब आ गए और मैंने कहा किस तरह ये बकवा हुआ और आपने क्या किया उसको, तो मैंने बड़ा उसको प्रेशर किया कि मुझे ये बंदे चाहिए किसी भी सूरत में जो है ना, इनको गिरफ्तार करें। हालांकि ये हमारा वो नहीं है, हम पुलिस अपना फंक्शन करे और अपना काम करती है, हमारे पास जो केस आता है, मगर क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नाजायजी थी, और मैं ये इसलिए देख रहा था कि लोग कराची में हाक्स पे वगैरह सी वगैरह यहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं, अब वहाँ पर आप लोग उनके साथ डकैती या फैमिली के साथ आप इस तरह की वारदात करें तो फिर क्या होता है कि लोग डिस्करेज होते हैं। हाँ। तो जहाँ आपने अपना मूड अच्छा करने के लिए, माहौल खुशगवार करने के लिए गए, वहीं कोई हादसा हो जाए। जी हाँ जी हाँ। तो फिर एसएचओ साहब भी बड़े अच्छे थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे आप 3 दिन का टाइम दें। हाँ। और मैं 3 दिन में इंशाल्लाह इनको गिरफ्तार कर लेता हूँ। हाँ। तो बड़ी उन्होंने कोशिश की, आखिर वो 2 दिन में गिरफ्तार हो गया बंदा। हाँ। तो मैं ये बताना ये चाहूँगा आपको कि जब वो आया मेरे पास, हाँ हाँ। और तो उन्होंने कन्फेशन की थी, कन्फेशन ये होती है कि भाई ये मैंने क्राइम कमिट किया, बिल्कुल उसके अंदर वो एतराफ कर लेता है। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ कि जब वो एतराफ उस क्राइम की कर रहा था, तो उसके साथ मुझे सैकड़ों क्राइम दूसरे उन्होंने बता दिए कि फलां जगह भी मैंने बंदा मारा था, फलां जगह भी मैंने बंदा मारा था, फलां जगह भी मैंने बंदा मारा था। तो फिर उन केसेस में फिर वो उनको वो गिरफ्तारी भी की। तो ये मेरी लाइफ का एक अच्छा है कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा था कि जब बात तक आ गई। बिल्कुल, यानी ये वो चीज़ें हैं ना कि जो मैंने कहा और आपने हमारे नाज़िम तक वो बात पहुंचाई भी, ताकि लोग जब सुनते हैं तो उसके अंदर ये होता है ना कि अपने जिस जगह पर भी मौजूद हैं, जो पोजिशन भी है, मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, वो करें। फिर मैं आपको रोकूंगी, वक्त हो गया ब्रेक का। नाज़िम देखते रहिए शाम में फैज नाज़ी अली के साथ, अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम में फैज नाज़ी अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले शायद हुसैन सुमरो साहब से जो बात हो रही थी उसी का सिलसिला आगे बढ़ाती हूँ जी। तो जब आप अपने केसेस का ही बता रहे थे, और ख़ास तौर पे मैंने जब आगाज़ में भी कहा, वैसे ही मैं बात करती हूँ सामाजिक खिदमत की, तो ज़रा सोशल वर्क के बारे में भी बताइए अपने और केसेस के साथ ही कि किस तरह से सिलसिला और चलता ही जा रहा है और आगे के क्या प्लान है। ये जो आपने केसेस की बात की ना कि ये समाजी तौर पे कितना हम किस रुख में जा रहे हैं, डेली केसेस बढ़ रहे हैं और नाजायजियां जुल्म, मैं आपको बताऊं नाजिर साहिबा कि जब तक आप जुल्म जो होगा या जब तक आप जालिम को सजा नहीं देंगे ना, तो वो जो जुल्म है ना वो मजीद स्प्रेड होगा। तो हमारे यहाँ जो है वो कानून जो है वो उस तरह नहीं है कि इबरत का निशान बनाना चाहिए हमें, वो बनाना चाहिए। और हमारे यहाँ सबसे जो सिस्टम है ना हमारा जुडिशियल सिस्टम, जी लोग कहते हैं सर उसको जज ने छोड़ दिया, उसको जज ने छोड़ दिया, उसने उसको जज ने छोड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी का काम होता है फैसला करना। हाँ।
आपके पास जो केस होता है ना वो अकॉर्डिंग टू केस के फैसला करना है। जज कभी किसी के घर नहीं जाता है, क्राइम के जगह पे इंसिडेंट पे टाइम नहीं जाएगा। तो जज किस पे फैसला करता है, वो डॉक्यूमेंट्स पे, इन्वेस्टिगेशन पे। अगर हम क्रिमिनल केस की बात करें तो हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टम है ना इन्वेस्टिगेशन का, वो मैं अगर मुझे कोई कहे ना कि इनको आप मार्क्स दे दें तो मैं शायद दो मार्क्स भी नहीं दूँ। जैसे आपने नाइंसाफी का कहा भी कि हो रही होती है और जब तक हम उसको ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ ना बनाए, तो उसी तरीके से जब आप आवाज़ उठा रहे हैं ना एटलीस्ट इसके जरिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखें, हम तो अपना फ़र्ज समझ के मैं काम करता हूँ, और मैं काफ़ी केसेस जो आपने अभी फरमाया भी कि कौन कौन से केसेस में, मैं आपको बताऊं कि बच्ची जो छोटी 4 साल की बच्ची थी अनीशा, बिल्कुल मैं वो उसी जो कश्मीर में इंसिडेंट हुआ था, आज वो शेल्टर होम में है। और वो मुझे हर हफ्ते संडे के दिन उनको फोन का टाइम वो मिलता है शेल्टर होम से ना कि आप किसी को कॉल कर सकते हैं, तो वो मुझे कॉल करके और मुझसे बात करती है और कहती है मैं बड़ा खुश हूँ, मैं ये देख रही हूँ, मैं कार्टून देख रही हूँ। वो 4 साल की बच्ची है जिसके साथ ज़बरदस्ती जो है ना उन्होंने यहाँ से अगवा करके ले गए उसकी वालदा को, और फिर उसके साथ रेप किया। बहुत बड़ा केस था और इसके लिए बहुत आप दुआएं लेते रहते हैं, ले रहे हैं आप इसके लिए दुआएं। तो इस तरह दूसरे जो केसेस होते हैं वो क्योंकि आपको पता है कि मुझे इन ये जो केसेस है ना ये आप गरीबों के लिए काम करें और सोसाइटी के लिए, और मुझे इससे काफ़ी नुकसान भी होता है। वो नुकसान यूँ होता है कि बहुत सारे केसेस में मैं स्टेट के खिलाफ होता हूँ। हाँ। स्टेट क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ होता है तो आपको वो फायदे नहीं मिल सकते हैं, केसेस नहीं मिल सकते हैं आपको, क्योंकि आप गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, एक मजलूम का साथ दे रहे हैं, गरीब आपको क्या भी है, बहुत सारी होती है। हाँ बिल्कुल, तो आपको एक गरीब क्या दे सकता है। मुझे मकसद अलीशा को मैंने कराची में मैंने उनको बुलवाया, मैंने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की, फिर गवर्नर साहब ने उनको 5 लाख रुपए भी दिए, फिर उसके अलावा मैंने हॉस्पिटल में बड़ा उनको अच्छा, जबकि ये वाला इशू सोशल मीडिया के जरिए जब वायरल हुआ है वीडियो और सारी चीजें आई है, तो उस वक्त भी सब लोगों को ये इनसिक्योरिटी थी और यही के बेनिफिट की जो आप बात कर रहे हैं, मोस्टली हमारे यहाँ पीछे हट जाते हैं कि क्या फायदा। नहीं, मुझे तो बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत ही सुकून मिलता है ऐसे कामों में, और ये तो ये है, मैं यूथ को बड़ा प्रमोट करता हूँ पूरे सिंध में, हर जगह जाता हूँ और कोशिश करता। अभी कुछ दिनों के बाद मुझे खैरपुर जाना है यूथ कन्वेंशन में, मैं उमरकोट गया हूँ यूथ के लिए प्रमोट करने के लिए, मैं वाही पांडी गया हूँ, मैं मुख्तलिफ जिलों में जाता हूँ कि यूथ को आगे आना चाहिए, और ये मोबिलाइज भी करते हैं आप, और उसके साथ साथ ये भी कि आप किसी भी जगह किसी को भी सपोर्ट करने में मौका जाया नहीं करते। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसने आवाज दी है तो मैं जाके डिफरेंट एनजीओ के साथ होते हैं सब, बिल्कुल बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ जितने भी लोग ये काम करते हैं उनको ये क्योंकि मेरे जरिए अगर किसी का फायदा होता है। अब ये अलीशा वाले केस में मैंने मेक अ विश के इख्तियार बेग साहब को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने बहुत सारे तवायफ दिए और उनको, और उन्होंने मुझे कहा कि ये बच्ची की जितनी भी अखराजात होंगे वो हम बर्दाश्त करेंगे। और एक मेरे दोस्त ने कहा था कि आ खान में आप इनको इलाज करवाएं, जितना भी खर्चा लगेगा तो मैं करूँगा। आई एम थैंकफुल टू देम। अच्छा, मैं एंड में लेकिन एक बात है जो अगर इख्तिताम करूँ और वो पूछूँ नहीं, जहाँ तक एक बात है, ये जब उसूलों पे चल रहे होते हैं तो आप कायदे आजम की एक बात करते हैं, वो जरा अपने लफ्जों में बताया। देखें, मैं कायदे आजम का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ कि कायदे आजम क्योंकि अच्छे वकील भी थे और अच्छे सियासतदान भी थे, मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, और उन्होंने हमें पाकिस्तान आज़ाद करके दिया। आज जब हम सुकून से बैठे हुए हैं, नहीं तो आप उन कंट्रीज़ को देखें जो आज कहीं बमबारी होती है, कहीं क्या होता है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में कितना खुश हैं। तो ये कायदे आज़म की अल्लाह की मेहरबानी है और कायदे आज़म ने कोशिश की, तो मैं उनका बड़ा फॉलोअर हूँ, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की तरह ही मैं अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, लोगों के काम आना चाहता हूँ, और किस तरह उन्होंने काम किया, और कायदे आजम मोहम्मद अली जना की वजह से ही मैं जुडिशरी में भी गया था। बहुत जबरदस्त। लेकिन हमारे प्रोग्राम में हमारे चैनल के लिए क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम के लिए हमारे आगाज में वैसे दे चुके हैं, लेकिन हमारे चैनल के लिए फैज नेटवर्क फैंटास्टिक, फेज टीवी इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब, और मैंने काफी प्रोग्राम आपके देखे हैं, डॉक्टर जमील साहब के साथ, फारूक साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ देखे, आप अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा, और खुशन आप जो है वो जिस तरीके से प्रोग्राम्स को लेके चलती हैं, दैट इज़ फंटास्टिक, क्योंकि मेरा भी इसी फील्ड से ताल्लुक है, मैंने भी 2-3 प्रोग्राम्स में होस्ट करता रहा हूँ मैं,
तो मगर मैं आपको देखता हूँ तो फैंटास्टिक, आप जिस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ आप लोगों का इंटरव्यू करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट इज फैंटास्टिक। फेस टीवी इंशाल्लाह कामयाब जाएगी, आप भी बहुत कामयाब जाएंगे, आपकी पूरी टीम कामयाब जाएगी। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमारे पास आए और आते रहा करें और हमें खिदमत नहीं नहीं ये सिलसिला जारी रहेगा और हम आपको तकलीफ भी देंगे और भी हमारे प्रोग्राम्स के लिए। बहुत शुक्रिया। और मैं खास तौर पर ये भी देखकर खुश हो रही हूँ कि आपने मेजबानी के लिए, देखें शाहिद साहब ने मेरे लिए भी अजरा को स्टाफ के लिए रखी हुई है, लेकिन सबसे पहले ये हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। एक और सरप्राइज गिफ्ट है जो मेरे प्रोग्राम की, मेरे चैनल की, पूरी टीम की, हमारी आपको याद दिलाता रहेगा फैज नेटवर्क की। देखें आज ये आप भी पहन कर बैठे ना, आप ऑफिस से आ रहे थे यूनिफॉर्म में, और देखें मेरी सिलेक्शन भी यही है। थैंक यू सो मच शाहिद साहब जी। तो नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम शाम में फैज़ नाज़ी अली के साथ पसंद किया होगा। अपनी फीडबैक देते रहिए और जिस तरह से आप प्रोग्राम दिलचस्पी से देख रहे हैं उसी तरह देखें, हमें आपकी राय का इंतज़ार होता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके पसंदीदा मेहमानों से भी मिलवाऊँ और ख़ास तौर पर जो उनकी ज़िंदगी की स्टोरी है, कामयाब स्टोरी है, वो आप सबसे शेयर की जाए। और आज के प्रोग्राम से जो आपको मैसेज मिला है, आप सब पाकिस्तानी हैं, कायदे आज़म के पाकिस्तान में हम सब रहते हैं और हम सबका फ़र्ज़ है इसको तरक्की देने का, इसको आगे बढ़ाने का। नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।